क्या स्पाई वर्ष में हिस्सा बनने जा रहे हैं विद्युत जामवाल एज ए कमांडो? क्योंकि बाबू ऋतिक रोशन, कबीर, टाइगर सलमान खान, पठान, शाहरुख खान, एंड क्यों इस बार विद्युत जामवाल कमांडो के तौर पर स्पाई वर्ष का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप ऋतिक रोशन एंड विद्युत जामवाल सर को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको पता होगा ये दोनों काफी ज्यादा जिगरी दोस्त है एंड दोनों ही एक दूसरे की फिल्मों की तारीफे करते हुए नजर आते हैं। एंड ऋतिक रोशन खुद बहुत बड़े वाले फैन है विद्युत जामवाल के, काफी बार उन्होंने अप्रिशिएट किया है विद्युत जामवाल सर के काम को। एंड आज से ही नहीं, वर्ल्ड फिल्म से ही ऋतिक रोशन विद्युत जामवाल सर के साथ काम करना चाहते थे। एंड वर्ल्ड पार्ट वन में उन्होंने टाइगर श्रॉफ को कास्ट किया एंड उसके बाद से वो चाह रहे थे कुछ एक ऐसी फिल्म जिन्हें विद्युत जामवाल के साथ उन्हें काम करने का मौका मिले। तो वर्ल्ड पार्ट टू एक ऐसी फिल्म हो सकती है जिसमें हमें विद्युत जामवाल सर नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या वो एक कमांडो के तौर पर नजर आएंगे या फिर कोई दूसरा किरदार या फिर विलन, क्या हो सकती है कहानी? आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या स्पाई यूनिवर्स में कमांडो विद्युत जामवाल आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके एंड सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि डेली बहुत ही बेहतरीन एंड तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है, उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋतिक रोशन एंड विद्युत जामवाल सर के बारे में। इन दोनों ने ही यार बहुत पहले से ही प्लान बना लिया था कि दोनों को एक साथ फिल्म में काम करना है, क्योंकि ऋतिक रोशन उन्हीं एक्टर के साथ फिल्में बनाना पसंद करते हैं जो उनसे उनका 100% आउटपुट निकाल सके। एंड इसीलिए ही उन्होंने वॉर पार्ट वन में टाइगर श्रॉफ को चुना, क्योंकि उनको पता था ये बंदा बहुत मेहनती है एंड ये परफेक्ट है वॉर फिल्म के लिए। एंड जब बात आई है वॉर टू फिल्म की, तो विद्युत जामवाल इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन ऋतिक रोशन इस मौके को छोड़ेंगे नहीं एंड वो जरूर से विद्युत जामवाल सर को वॉर टू फिल्म ऑफर कर सकते हैं। एंड वो कौन सा रोल होगा, हीरो विलन, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस एक फैन थ्योरी है। एंड मैं भी यही चाहता हूँ ऋतिक रोशन एंड विद्युत जामवाल सर को बड़ी फिल्म मिले। और अगर ऐसा होता है सच में, अगर विद्युत जामवाल आ जाते हैं स्पाई वर्ष में, तो सोच लो बाबू ये स्पाई वर्ष कितना ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। एंड विद्युत जामवाल तो जाने ही जाते हैं भाई, उनकी पर्सनैलिटी यार एक इंडियन रॉ एजेंट टाइप की है एंड इस टाइप की फिल्में उन्हें सूट भी करती है। तो सोचो यार क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर जब विद्युत जामवाल स्पाई वर्ष का हिस्सा होंगे। लेकिन ये एक फैन थ्योरी है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। लेकिन मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूँ दोस्तों, क्या विद्युत जामवाल वॉर टू फिल्म में आ सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वॉर टू फिल्म में विद्युत जामवाल सर को लाना चाहिए, क्योंकि आज तक उन्हें कोई भी बड़ी फिल्म नहीं मिली और ना ही कोई बड़ा हीरो काम किया। तो यार ये परफेक्ट चॉइस है स्पाई वर्ष में लाना विद्युत जामवाल सर को, इससे बेस्ट डिसीजन नहीं होगा एंड बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है एंड उन्हें नेपो किड से ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स को काम देना चाहिए, विद्युत जामवाल जैसे एक्टर्स को, तब जाकर के बॉलीवुड की इमेज काफी अच्छी हो पाएगी एंड फिल्म भी धमाल मचा पाएगी। लेकिन यार विद्युत जामवाल सर की मस्त तगड़ी दो फिल्म रिलीज होने वाली है, ये राइट साइड वाली फिल्म है क्रैक एंड दिमाग घुमा देने वाली लेफ्ट साइड वाली फिल्म है शेर सिंह राणा। इन दोनों वीडियो को देख लो, मजा आ जाएगा, क्लिक करो एंड वॉच।